हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे निकालना है ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, प्लस हम सीखेंगे कि इससे रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज के बारे में। स्क्रू गॉज, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये किस काम आता है भाई? वेरी स्मॉल थिकनेस या वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर तक हो वैसा। ठीक है, स्क्रू गॉज, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर वेरी स्मॉल लेंथ और थिकनेस माइक्रोमीटर के रेंज का है ना, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है भाई? 10 रेज टू माइनस सिक्स मीटर के रेंज का भी लेंथ ये मेजर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर वेरी स्मॉल लेंथ या थिकनेस रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसकी इंट्रोडक्शन। आ रही बात समझ में बच्चों? कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था बच्चों कल, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। ठीक है, आपको इस शेप, इस टाइप का है ना स्क्रू गॉज दिखता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक क्या दिख रहा है भाई? एक सेमी सर्कुलर मेटल का फ्रेम दिख रहा है ना, सेमी सर्कुलर मेटल का फ्रेम दिख रहा है प्लस, ठीक है, ये एक स्क्रू दिख रहा है ना, स्क्रू दिख रहा है आपको है ना। इसको घुमाओ तो क्या होता है भाई? पीछे जाता है, फिर इधर घुमाओ तो क्या होता है भाई? आगे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्क्रू लगा हुआ है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो है ना, स्क्रू की वजह से आप इसको आगे पीछे खिसका सकते हो, आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है बेटा वो कहलाता है स्टड, दिस पॉइंट इज स्टड। ठीक है, और ये स्क्रू है आपका। ओके, और यहां पर बेटा, यहां पर एक स्केल दिख रहा है, दैट इज मेन स्केल, और ये जो सर्कल है, सर्कल जो इस मेन स्केल के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, उस पर भी एक स्केल बना हुआ है, उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। आई बात समझ में? तो इसमें भी दो प्रकार के स्केल होते हैं, जैसा कि वर्नियर स्केल में होता था। वर्नियर स्केल में दो स्केल कौन होते थे? एक होता था मेन स्केल और दूसरा होता था वर्नियर स्केल। यहां पर दो स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहां पर भी दो स्केल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट हैज अ सेमी सर्कुलर मेटल फ्रेम। ठीक है बेटा, सेमी सर्कुलर मेटल फ्रेम एंड अ मेन स्केल ओवर विच ए सर्कुलर स्केल कैन रोटेट। ठीक है, ओवर विच अ सर्कुलर स्केल कैन रोटेट। ठीक है बेटा, अगर डायग्राम की बात करूं मैं, इस तरीके का इसका डायग्राम है बेटा।
ठीक है, ये जो है बेटा इसमें क्या बना हुआ है, स्क्रू बने हुए हैं, ऐसे ऐसे स्क्रू बने हुए हैं, और ये है हमारा मेन स्केल। इस तरीके से, और इस पर क्या बने हुए हैं, स्केल बने हुए हैं, जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल, मेन स्केल। और इसके ऊपर एक सर्कुलर ठीक है, इस तरीके का होता है, और इस सर्कल के ऊपर जो है, इस सर्कल के ऊपर भी ऐसे क्या है, एक स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो स्केल है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। ओके, आ रही बात समझ में? और अपन क्या करते हैं बेटा, यहां जो एक स्क्रू है, इसकी वजह से आप इसको घुमाओगे तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर आगे पीछे करेगा, ये जो सर्कुलर स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टड। ठीक है, एंड ये हो गया आपका मेन स्केल, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका फाइनली। ठीक है, दिस इज, है ना, तो ये हो गया आपका मेटल सेमी सर्कुलर मेटल फ्रेम हो गया, ये वाला मेन स्केल हो गया, और ये स्क्रू के साथ क्या होता है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, दिस इज स्टड। अंडरस्टूड? तो ये है आपकी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन। होता क्या है बेटा, बेसिकली देखो, ये जो मेन स्केल है, इसके ऊपर ये वाला जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब जब आप इसको पूरी तरीके से, है ना, ये दोनों को टच करा दोगे, यानी ये जब स्टड को टच कर जाता है, उस समय क्या होना चाहिए, उस समय जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, ठीक है, यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लाइन होता है बेटा, है यहां पर आप देखोगे गौर से, तो मेन स्केल पर जो है, मेन स्केल पर ऐसे ऐसे इस प्रकार से एक रेफरेंस लाइन होता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का एक रेफरेंस लाइन होता है। ठीक है, ऐसा, तो जब आप ये दोनों को टच करा दोगे, यानी स्टड और ये पॉइंट जब दोनों टच कर जाएंगे, उस टाइम ये वाला रेफरेंस और जो सर्कल है, सर्कुलर स्केल है, उसका जीरो क्या हो जाना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वहां पर किसी प्रकार का एरर नहीं है, हमने जीरो एरर पढ़ा था ना, तो यहां जीरो एरर कैसे चेक करते हैं बेटा, यहां पर जीरो एरर कैसे चेक करते हैं, इसका रेफरेंस लाइन और इस सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर जाना चाहिए जब ये स्टड को टच कर जाता है। ठीक है, जब ये पॉइंट स्टड को टच कर जाएगा, उस टाइम इसका रेफरेंस लाइन और इसका जीरो, इसका सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर जाना चाहिए, तब इसमें किसी प्रकार का जीरो एरर नहीं होगा, और अगर मैच नहीं किया तो इसमें क्या होगा, जीरो एरर होगा। आ रही बात समझ में आपको? अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो ये रही इसका कंस्ट्रक्शन, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, और ये इस तरीके की चीजें इसमें लगी हुई है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल,
बच्चों देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेन स्केल है ना, ये एक मेन स्केल है जिस पर क्या बना हुआ है, ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20 है ना, इस तरीके से बना हुआ है। इसके बाद इसके अंदर और फर्दर डिवीजन है, 5 फर्दर डिवीजन है, ठीक है, ऐसा। इसमें 5 फर्दर डिवीजन है, ठीक है बेटा। तो ये जो है यहां से यहां तक, ठीक है, ये है कितना, ये mm है बेटा, हाँ mm, क्लियर है, क्या है, mm है। तो ये 5 मिलीमीटर है, ये 10 मिलीमीटर, ये 15 मिलीमीटर, और ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं, हाँ ठीक है मिलीमीटर, ठीक है, आ रही बात समझ में। .5 सेंटीमीटर ना, ये जो है आपका क्या हुआ, ये हुआ 1 सेंटीमीटर बेटा, है ना, यानी ये हुआ .5 सेंटीमीटर, ठीक है, .5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना हुआ आपका, .5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखें, ठीक है, क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, ये कितना है, .5 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है, 1 सेंटीमीटर, दिस होल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर को आपने फिर कितना डिवाइड किया है बेटा, 1 सेंटीमीटर को फिर आपने कितना डिवाइड किया है, आ रही बात समझ में, फिर 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट यानी एक डिवीजन कितने का आएगा, ध्यान से समझना, ये जो आप नॉर्मल स्केल यूज करते हो ना, उस स्केल पर रखोगे तो यहां से यहां तक कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, और फिर यहां से यहां तक 5 डिवीजन, और फिर ये 5 डिवीजन कितने हो गए टोटल, 10 डिवीजन। तो भाई एक डिवीजन कितना हुआ, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल कितना हो जाएगा भाई, 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि 1/10 सेंटीमीटर था ना, तो इसको मैं 10^-3 लिख सकता हूं, 10^-3 मीटर क्या होता है बेटा, 1 मिलीमीटर होता है ना। तो इसका मतलब इसका जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है, ठीक है बेटा, एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हो गया। तो इसको देख करके अपने को समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है, वही स्केल है, मीटर स्केल है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा मेन स्केल है, आगे बात समझ में आपको। फिर इसके ऊपर क्या होता है बेटा, इसके ऊपर होता है एक सर्कुलर स्केल, ये इस पर एक रेफरेंस होगा, ठीक है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर रहेगा क्या, सर्कुलर स्केल है ना, इसके ऊपर रहेगा सर्कुलर स्केल, यू, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग में है ना, इन द वेरी बिगिनिंग है ना, इसका जो जीरो है, इसका जीरो और इसका जीरो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ये सर्कुलर स्केल का जीरो है। फिर इसके बाद ना ये यहां से यहां तक 100 है ना, 100 या 50 ऐसे मार्किंग रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर पूरे सर्कल पर क्या रहेंगे, मार्किंग रहेंगे, ठीक है, 0 से लेकर के 100 तक, या फिर 0 से लेकर के 50 तक, जैसा भी होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दोनों का जीरो मैच करना चाहिए, अगर दोनों का जीरो मैच किया बेटा, कब स्टार्टिंग कब होगा, जब उस इस ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जब इस स्टड को टच कर लेगा, उस टाइम पर दोनों का जीरो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं रहेगा फिर, ठीक है, ओके। 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल हमारा निकल गया, अब ये भी हमने कर लिया, और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो
स्क्रू होता है, इसके ऊपर जो स्क्रू होता है उसको आप क्या कर सकते हो बेटा, घुमा सकते हो। घुमाओगे तो ये जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है, वो मेन स्केल पर स्लाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जब आप इसको घुमाओगे, ठीक है, जब आप इसको घुमाओगे तो सिर्फ ये सर्कुलर मोशन ही नहीं करता, जैसा कि आप देखो यहां पर, ठीक है, इस चीज को ध्यान से गौर से देखो बेटा, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ले आया, ठीक है। अब मैं अगर देखूं, ठीक है बेटा, इसको जब मैं घुमाऊंगा है ना इस तरीके से, तो ऐसा ये घूम तो रहा ही है, सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, साथ में देखो ये इधर भी बढ़ रहा है ना, देखो ये इस तरफ बढ़ रहा है, आ रही कहानी समझ में, ठीक है, ये इस तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये घूम भी रहा है और इस तरफ भी जा रहा है ना, दोनों चीजें कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है, अंडरस्टूड। तो जब आप इस सर्कल मतलब इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, व्हेन वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, जब आप इसको एक पूरा रोटेट करोगे, कैसे पता चलेगा भाई कि एक बार रोटेट हुआ, तो आप पहले इसके दोनों के जीरो को मैच कर लो, ठीक है बेटा, इसके दोनों के जीरो को मैच कर लो और फिर दोबारा घुमाओ जब तक जीरो मैच ना हो जाए, ठीक है, फिर दोबारा घुमाओ जब तक जीरो मैच ना हो जाए। तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे बेटा कि एग्जैक्टली अगर ये जो आपका सर्कुलर स्केल है वो इस पर जो मेन स्केल था उसका एक डिवीजन जो था, एक डिवीजन इधर सरक जाएगा, फिर एक बार रोटेट करोगे तो एक और डिवीजन इधर सरक जाएगा, फिर एक बार और रोटेट करोगे तो एक डिवीजन इधर सरक जाएगा। दैट मीन्स कि सर्कुलर स्केल को जब हम एक रोटेशन कंप्लीट कराते हैं तो वो लीनियर स्केल पर है ना एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो बेटा एक रोटेशन में, एक फुल रोटेशन में सर्कुलर स्केल जितना लीनियर डिस्टेंस कवर कर लेता है, जितना लीनियर डिस्टेंस चल लेता है वो, उसको हम लोग कहते हैं बेटा पिच, PITCH, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, अंडरस्टूड। तो सी, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा कि व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड ओवर मेन स्केल, इट ऑल्सो कवर्स लीनियर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, इट ऑल्सो कवर्स लीनियर डिस्टेंस। फिर अपन क्या करेंगे बेटा, पिच को डिफाइन कर लेंगे। पिच क्या होता है, पिच तो समझो, इन वन फुल रोटेशन द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इन वन फुल रोटेशन द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच। आगे बात समझ में, उसको कहते हैं हम लोग पिच। यहां पर जो पिच की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा, यहां पर जो पिच की वैल्यू होती है, तो जब आप करके देखोगे है ना, जब आप करके देखोगे इसके दोनों के जीरो को मैच कराया और दोबारा फिर इसके जीरो को मैच होने तक घुमाया,
ठीक है, तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली एक डिवीजन जो है मेन स्केल पर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो बेटा एक मेन स्केल कितने का था, देखो 1 mm का था मेन स्केल पर, 1 डिवीजन कितने का था, 1 mm का था। इसका मतलब एक फुल रोटेशन में कितना आगे बढ़ जाएंगे, 1 mm आगे बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स कि इसका पिच कितना है, 1 mm। ठीक है बेटा, तो जो अपना स्क्रू गॉज है उसकी पिच की वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। आई क्या बात समझ में, ये होती है पिच की वैल्यू। ओके बच्चों, दिस इज वैल्यू ऑफ पिच इन स्क्रू गॉज। अब सवाल उठता है बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपने को क्या करना होता है, लिस्ट काउंट निकालना होता है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे कि जो अपना स्क्रू गॉज है उसका लिस्ट काउंट कितना है। चलो देखते हैं इसका लिस्ट काउंट। ओके बच्चों, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ठीक है बच्चों, तो समझो यहां पर जो लिस्ट काउंट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, यहां पर जो लिस्ट काउंट दिया जाता है वो होता है बेटा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है बेटा, व्हाट इज लिस्ट काउंट, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, किसके लिए, स्क्रू गॉज के लिए। तो देयरफॉर लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच, अभी आपने देखा कितना था बेटा 0.1 सेंटीमीटर है ना, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो जो आपके पास ये वाला सर्कल है, सर्कल उस पर जो स्केल खुदा हुआ है आपको देखना है कि उस पर कितने डिविजन्स हैं। तो जो मेरे पास है ना इसमें 100 डिविजन्स हैं, तो जनरली 100 या 50 डिविजन्स होते हैं। ठीक है बेटा, जनरली 100 या 50 डिविजन्स होते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो दैट क्वांटिटी यू हैव टू पुट हियर। ठीक है, तो हमारे केस में 100 है, तो वी विल पुट हियर 100। तो ये देखो कितना हो जाएगा बेटा, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या हो गया, 0.001 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 सेंटीमीटर। आगे बात आपको समझ में, कैसे निकालना है भाई, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल जनरली 100 या 50 होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आप इसका लिस्ट काउंट निकालना सीख गए। ठीक है बच्चों, अब देखो अब सवाल उठता है कि रीडिंग कैसे लेना है, हाउ टू टेक रीडिंग, हाउ टू टेक रीडिंग्स रीडिंग्स फ्रॉम स्क्रू गॉज। ठीक है बेटा, हाउ टू टेक रीडिंग्स फ्रॉम स्क्रू गॉज, तो जो रीडिंग आएगी बेटा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें कितने स्केल हैं, दो स्केल हैं, एक मेन स्केल है और एक क्या है बेटा, सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो आपको दोनों पर रीडिंग मिलेगी, जैसा कि वर्नियर कैलिपर के केस में आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों पर मिलती थी, और दोनों को कंबाइन करके फिर अपन क्या करते थे, फाइनल रीडिंग लिखा करते थे, है ना बेटा। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ है, इसमें दो प्रकार की रीडिंग होगी, एक होगी मेन स्केल रीडिंग और एक होगा स्क्रू गॉज का रीडिंग। ठीक है, स्क्रू गॉज की रीडिंग या सर्कुलर स्केल की रीडिंग, CSR।
ठीक है। एमएसआर मतलब बेटा मेन स्केल रीडिंग और सीएसआर मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो कैसे लेना है मेन स्केल रीडिंग और कैसे लेना है सर्कुलर स्केल रीडिंग, ओके। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो अपने पास क्या था, ठीक है, ये सपोज इसका जीरो हो गया, ये इसका फाइव हो गया, और ये टेन और ये फिफ्टीन, ऐसा है, ठीक है। और इसमें एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे डिविजन्स बने हुए हैं, ओके। और हमने इसका ये रेफरेंस लाइन है, फिर हमने जो सर्कुलर स्केल लगाया बेटा, सर्कुलर स्केल जो है हमारा, तो अगर मैं टॉप से देखूंगा तो सर्कल कैसा दिखेगा, मतलब टॉप से देखू, मतलब इधर फ्रंट से देखूंगा तो फ्लैट दिखेगा, ठीक है। तो जो अपना सर्कुलर स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल क्या है, स्टार्टिंग में दोनों का जीरो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, स्टार्टिंग में दोनों का जीरो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो दोनों का जीरो मैच करने के लिए इसका जो रेफरेंस लाइन है और आपके सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो दोनों को मैच करा लो। फिर आप क्या करोगे, अगर हमें कुछ किसी चीज को मेजर करना है तो इसको खोलोगे और उसके जो गैप है उसमें उस चीज को पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप खोलोगे तो ये क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा, तो मान लो मूव होकर के आ गया ये यहां पर, ठीक है, आपका सर्कुलर स्केल मूव करके कहां आ गया बेटा, यहां पर आ गया। आज बात समझ में, तो आपको देख लेना है कि जब आपने इसको मूव कर दिया तो आप मेन स्केल पर कितना चले, एक दो तीन और चार, ठीक है, चार ये तो दिख रहा है अपने को, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा अपना नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल पता चल गया। तो कितने है बेटा, फाइव। तो इसको बोल सकता हूं मैं एम, और एम बराबर क्या आया, फाइव, ठीक है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। जैसा वहां करते थे बेटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल को उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो कितना होता था बेटा लिस्ट काउंट इसका, 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया, ठीक है। प्लस अब सर्कुलर स्केल पर रीडिंग देखेंगे, ठीक है बेटा, अब सर्कुलर स्केल पर रीडिंग देखेंगे। तो अब आप देख लेना कि जो सर्कल था ना, सर्कल उसका कौन सा डिवीजन इससे मैच कर रहा है, ठीक है, उसका कौन सा डिवीजन इससे मैच कर रहा था। मान लो कि 40वां एम इक्वल्स टू 4 आया ना, सॉरी ये 4 आया था, मान लो उसका जो है 60 60 लिखा हुआ वाला मैच कर रहा है, ठीक है, मान लो क्या मैच कर रहा है 60, या फिर सपोज 57 है ना, ऐसा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, 57 डिवीजन इसका इससे मैच कर रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या हो गया, ये हो गया कितना बेटा, इसको n बोल लेता हूं, तो n इक्वल टू क्या हो गया 57, है ना, इनटू क्या करोगे बेटा इसके लिस्ट काउंट से, सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट कितना था, 0.001 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा, ठीक है बेटा। तो ये फाइनल रीडिंग आपको क्या दे देगा, 4 इंटू 0.1 प्लस 57 इंटू 0.001, तो ये हो गया बेटा 0.4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 57.057, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.457 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल रीडिंग, अंडरस्टूड, दिस बिकम्स योर फाइनल रीडिंग। तो बच्चों हमारा जो फाइनल रीडिंग होगा, फाइनल रीडिंग होगा वो किस रूप में लिखा जाएगा, m इंटू 0.1 या फिर m इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल प्लस n इंटू लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा। ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन
ऑन मेन स्केल, एंड ये क्या है बेटा, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। आगे कहानी समझ में? तो ये दोनों को इंक्लूड करके आप क्या कर सकते हो, स्क्रू गॉज से रीडिंग ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ले लिया, इस तरीके से अपन रीडिंग लिया करेंगे। क्या अब यहां पर भी जीरो एरर होने की संभावना है? इस चीज को देखते हैं। जीरो एरर इन स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ रेफरेंस ऑफ मेन स्केल, रेफरेंस ऑफ मेन स्केल, देन इट इज सेड टू हैव जीरो एरर। ठीक है बेटा, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर जीरो एरर है। कितने टाइप के होंगे भाई? अगेन दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आपका जो मेन रेफरेंस लाइन है ना, इसका मेन स्केल का, और जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जीरो सपोज आगे निकल गया है, ठीक है, रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो अगर आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो इफ जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल इज अहेड ऑफ रेफरेंस लाइन देन इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। निकालेंगे वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, जीरो एरर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देख लेना कि कितना घर आगे बढ़ा हुआ है, मतलब कितने डिविजन्स आगे बढ़े हुए। ठीक है, कितने डिविजन्स आगे बढ़े हुए वो आपको दिख जाएगा बेटा। ठीक है, तो जितने डिविजन्स आगे बढ़े हुए, मान लो 20 डिविजन्स आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, 20 डिविजन्स दिख रहे हैं आपको, तो 20 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी यानी 20 इंटू 0.001, इतना आपके पास क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव एरर को करेक्ट करना है तो क्या करा करते थे बेटा? माइनस किया करते थे, तो उतने को मेजर्ड वैल्यू से क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे तो ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा। सेकेंडली है ना, निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? अगर वो बिहाइंड रह गया है ना, नीचे रह गया, अहेड ना होकर के नीचे रह गया, तो फिर क्या करोगे, क्या कहलाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। इफ जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो रेफरेंस लाइन, ठीक है बेटा, देन इट इज सेड टू हैव नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, अगेन देख लोगे कि कितना डिवीजन जो है पीछे है, जितना डिवीजन पीछे होंगे उतना इंटू क्या कर लोगे? 0.001 सेंटीमीटर, उतना नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। जब नेगेटिव जीरो एरर होता था तो उस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए क्या करते थे बेटा? मेजर्ड वैल्यू में एड कर दिया करते थे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं बेटा, स्क्रू गॉज से रीडिंग लेते हैं। तो आपने देखा बेटा कि हमारे पास मीटर स्केल है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है और हमारे पास स्क्रू गॉज है। तो जो मीटर स्केल है उससे अपन कहाँ तक करेक्ट माप सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक, यानी 0.1 सेंटीमीटर तक। उससे छोटा लिस्ट काउंट चाहिए तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर, जिसका कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। उससे भी छोटा चाहिए तो फिर क्या यूज कर सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर है इसका, स्क्रू गॉज का। तो वी कैन यूज स्क्रू गॉज, अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लास्ट लेक्चर है ना यूनिट एंड डायमेंशन का। आज ये चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों, आप इसके ऊपर ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करने का। कुछ भी डाउट हो तो आप भेजिए, हम उसको जो है अपने लेक्चर में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिस्कशन के ऊपर होगा, आप प्रॉब्लम्स भेजिए और हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लाइव क्लास में। ओके चलो, ठीक है बच्चों, बाय बाय।